हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुस के में। हम चैनल उपचानुस के में रोज एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल उपचानुस के को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे। कैसे बने डाटा एंट्री ऑपरेटर बेहतरीन करियर ऑप्शन। हम में से ही कई लोगों का सपना डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने का होता है। आज के समय में डाटा एंट्री ऑपरेटर में करियर और सैलरी दोनों ही युवा पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आपको बता दें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में अपना करियर बनाने के लिए आपको बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप 12th क्लास पास करने के बाद भी डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। आजकल डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत हर कंपनी और ऑफिस में पड़ती है। हर फील्ड में डाटा एंट्री ऑपरेटर व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। हर साल लाखों की संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए आवेदन आते हैं। जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है वे इस पोस्ट के लिए अप्लाई भी करते हैं। अगर आप प्रति मिनट 35 शब्द से ऊपर आसानी से टाइप कर सकते हैं तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए शैक्षिक योग्यता। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं कक्षा और अधिकतम शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मासिक वेतन। बता दें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक निश्चित वेतन नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट में यह वेतन अलग अलग निर्धारित किया गया है, लेकिन फ्रेशर डाटा एंट्री ऑपरेटर एक महीने में लगभग 10,000 से 20,000 रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। सैलरी का ये बेसिक आइडिया आपको बताया गया है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर फील्ड में मिलने वाला वेतन कैंडिडेट की योग्यता, एक्सपीरियंस और कैंडिडेट किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, इन बातों पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह सभी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचानुस के को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।